तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू कैंपिंग वीडियो। सो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:40 और आज काफ़ी लेट हो चुके हैं कैंपिंग लोकेशन में पहुंचने में। लगभग 13-14 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है। तो चलिए फाइनली हम लोकेशन में हैं और टेंट वगैरह लगाते हैं। मौसम पूरा ख़राब है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है। तो चलिए एक बार टेंट पिच कर लेते हैं, क्योंकि टेंट फिर भीग जाएगा हमारा। अपने साथ हैं बिट्टू भाई। बिट्टू भाई, हेलो। हेलो हेलो। और ये हमारे कमल दा। यार नाला खोले दे यार तू। हाँ ठंडे हो गए यहाँ। अंकल जी, हाँ जी, उसे बांधने दे। हवा आएगी यहाँ, हवा जब तक ये उड़ जाएगा। इसमें कील खेटेंगे वो बुझे हम। बहुत हवा आती है यहाँ। हाँ हवा तो आती है। कोई नहीं, कील वील है हमारा, वो महंगा टेंट है ना, नहीं फटता। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत क्या है? यहाँ आगे रात को लगाएंगे, चले जाएंगे सुबह। मंदिर है क्या आगे यहाँ पर? मंदिर यहाँ नहीं है, मंदिर ऊपर। अच्छा अच्छा, बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे? हाँ बर्फ भी, क्या पता पड़ भी सकती है। ना ये बढ़िया हो रहा है। आप जाके नहाने तो बेहतर। ना ना ठीक हो। क्या करें, तो घर में तो हमारे घर ये है, हम गर्म भी देने रही हैं। बल बे बढ़िया पे। यार आई है सारा जैसे ना ये पाइप टूटती है अगर क्लोज ज्यादा आ गई तो। भाग ली जाती है कहां मेरी मैट बन गई। बढ़िया से अपना आलिशान महल तैयार हो गया है और सारा सामान अंदर हमने बिछा लिया है। तो अब जाके यहाँ पे बढ़िया से नाइट कैंपिंग होगी तगड़ी वाली। मौसम पूरा ख़राब है, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे चल ही रही है। रात को तगड़ी बारिश हो सकती है। अपने साथ हैं कमल भाई। कमल भाई हेलो। सो अभी यहाँ पर से हम भरेंगे पानी। मतलब 15 लीटर पानी भर दिया है। सो चलते हैं अब कैंपिंग लोकेशन में, सीधे वहीं मिलेंगे। पानी लेके हम तो आ गए हैं, बट अभी रास्ते में हालत खराब हो गई है। अभी अभी मतलब हम ऊपर, जैसे ऊपर आ रहे थे रास्ते में, गुलदार ने बिल्कुल रोड क्रॉस कर दिया। और अब मेरा कैमरा बंद था, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेरे साथ थे नानू भाई, तो नानू भाई ने देखा, हालत खराब हो गया। नानू भाई था नहीं था? हाँ भाई था, था, था। एक भी नहीं था वो, एक तो क्रॉस हो गया था एक, लेकिन ऊपर साइड से क्रॉस होने ही वाला था, लेकिन हम पहुँच गए थे, हमारी लाइट से वो छिप गया था वहीं पर। तो चलिए अब यहाँ पे आग वगैरह जलानी पड़ेगी, बट हमारे पास लकड़ियाँ हैं नहीं, लकड़ियाँ सब गीले हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। हम तो नहीं आ रहे। मैं 2 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच मतलब उसके बाद टाइम था वो, जैसे हम बैंड में पहुंचे थे वो हमारे जस्ट आगे था। तो एक तो मोल था, हमको स्पीड करनी पड़ेगी स्लो, तो वो शायद ही अटैक कर सकता था हम पे। उसके बाद फुल टाइम था भाई, हमने भगा दिए गाड़ी। नानू भाई हमारे फुल राइडर बने उस समय। गरम गरम कॉफी पीते हैं।
कैसी बनी है नानू भाई? मजा आ गया, मजा आ गया, ठंडा बहुत है ना बाहर, बहुत ज्यादा ठंडा। ये है बिट्टू भाई, बिट्टू भाई कॉफी एक नंबर भाई, माँ कसम कमल भाई तो नया जगह मैंने ही बना रखा है। हाय हाय हाय, बहुत ज्यादा तगड़ी बनी है हार्ड इच कॉफी, और बाहर मौसम खराब होते जा रहा है, भूख लग रही है ना, ठीक रहो। कॉफी पीते हैं और साथ में अंडे बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि एग करी बनने वाली है, तो साथ में दोनों काम सब साथ में हो जाएंगे। अभी इसमें एग बॉईल होने के लिए रख देते हैं हम, 5 साल बाद। अरे यार ये कैसे हट गया? बढ़िया से यहाँ पे एग बॉइल होने के लिए रख दे रहे हैं, और आसमान पूरा ढक चुका है बादलों से, रात भर आई थिंक बारिश हो सकती है। सुशेप जल्दी जल्दी काटो, अच्छा बाग देंगे पहला तो जा, बाग देख दे, बाग देंगे मजा आया ना आई, पर शांति पड़ गई ही। गुड, बैटरी डाउन हो गई, चार्ज करके लाया कर भाई, चार्ज करके लाया कर, कभी भी लाते हैं। तो गाइस अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं और छिल रहे हैं, अंडे से बनाते हैं सही से गर्मा गर्म एग करी, बढ़िया हुए हैं बॉईल, अच्छा हुए। सबसे पहले चावल बनाने के लिए रख देते हैं, ठीक है भाई, डालता हूँ ज़्यादा कम डालो। एक तो आज आग भी नहीं जली हुई है, क्योंकि लकड़ियाँ है ही नहीं हमारे पास, थोड़े बहुत लिमिटेड, वो हम सोने समय ही जलाएंगे, रख देना। तो यहाँ पे बन रहे आराम से चावल, और घुसते हैं यार टेंट के अंदर, मुँह से धुआं देख के आप बता ही सकते हो कितना ठंडा हो रहा होगा अभी, ये देखिए थोड़ा। बिट्टू भैया कैसा लग रहा है फिर आपको? बढ़िया, मजा आ रहा है, बस तुम ही डरे पड़े हो और क्या, हमारा तो सही है, हम तो जी लेंगे ऐसी, और क्या बोलते हो? बढ़िया से राइस बन के रेडी है हमारे, अब इसमें बनाएंगे हम एग करी, अपने कमलदा बना रहे हैं। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अब हमको ये सेटअप अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यार बाहर पे कुकिंग नहीं हो सकती है। काफी डिसबैलेंस हो रहा है, फोर करना है भाई तूने, समझ ले ये पबजी वाला है क्या?
दोबारा से सेटअप बाहर शिफ्ट कर दिया है, हल्की सी बारिश अब बंद हो चुकी है। जब से वो लेपर्ड देखा ना तब से बाहर बैठने भी हालत ख़राब हो रही है, कहीं पीछे से ना टपका जाए। ये हवा ऐसे रुकेगी ना, नीचे वाला प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर होता है साला, ऊपर कट फिर से सेटअप हमने अंदर कर दिया है और बाहर देख सकते हैं तूफान और बारिश शुरू हो चुकी है। और ये हमारे कमल भाई बना रहे हैं। कमल भाई कैसा एक्सपीरियंस है? अरे गजब का, कभी अंदर कभी बाहर। वही तो, अब बाहर बारिश हो गई है बहुत तगड़ी वाली और हवा चल रही है सबसे मेन। तो बांधने की जरूरत नहीं है ना, नहीं हो पा रहा। देखिए अभी तो होती है तो फाइनली अपने राइस और एग करी बन के रेडी है, बिल्कुल डिलीशियस, कलर तो तगड़ा आया हुआ है। भूख लगी कमल भाई? अरे पेट में चूहे दौड़ रहे भैया, सभी को यहाँ पे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। हाँ तो बढ़िया से खाते हैं। अभी हल्की सी बारिश रुकी हुई है, टाइम 11:45 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो परोसते हैं और फिर खाते हैं आराम से। नानू भाई का हमारा फास्ट है तो हम तीन ही खाने परोस रहे हैं। नो ब्रो, नेम्स विल ईट दिस डिनर। रुको जरा सबर करो। ये नानू, नानू भैया आ जाएगा, नमक भी आ जाएगा सर। Okay sir. Anything else sir? Okay sir. Anything else you would like to have? Finally ready है थाली और इसमें निचोड़ेंगे थोड़ी सी नींबू। अब करते हैं टेस्ट। भाई राइस में सही हो गया, राइस का मजा आ गया, राइस से ही पकाया बोल रहा हूँ, मजा आ गया। लाइट चलेगी। कैसा टेस्ट है कमल भाई? जिसने बनाया उसी से पूछोगे तो क्या फायदा। हाँ तगड़ा बना है। बिट्टू भाई, निर्मल भाई, मजा आ गया। जंगल में बनी थोड़ा सा टाइम लगा खाना बनने में, बट कमल भाई मजा आ गया। जंगल में मंगल यही होता है। बस खाना खा लेते हैं और फिर जाके मिलेंगे आपसे, क्योंकि सबको तगड़ी भूख लगी है, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं।
बढ़िया से डिनर हो चुका है और टाइम हो गया है 12:14, तो अब बारी है सोने की, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अब खोलते हैं अपना स्लीपिंग बैग और बढ़िया से नींद निकालते हैं। मिलता है आपको कल सुबह, देखते हैं कैसे नज़ारे रहने वाले हैं। अगर मौसम खुला तो अल्टीमेट नज़ारे रहेंगे। और सभी यहाँ पे सो गए हैं तो गुड नाइट कह दो। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब मेम्बर्स। तो हो चुकी है सुबह और सुबह के 7 बज चुके हैं। बढ़िया सी सुबह हो रखी है और रात भर बिल्कुल बारिश थी। टेंट दिखाता हूँ आपको एक बार, पूरा टेंट देख सकते हैं, गीला है अभी भी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर बिल्कुल पानी भी नहीं आया। अभी एक बार आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे अपना टेंट और ये नज़ारा देखिए। ये आ गया छोटा सा हमारा मेहमान सुबह सुबह। डॉगी ठंडा हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा 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 हो रहा है ठंडा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, कैसी रही रात? बस बढ़िया यार, सही हुआ जो भी हुआ, थोड़ा सा डरावना था। अच्छा ठीक है ठीक। ठंड तो नहीं लगी लेकिन डर लग रही थी कि पानी अंदर आएगा, लेकिन नहीं आया। सही हुआ, फिर भी पूरा बारिश झेल गया। क्या प्यारा सा सनराइज हो रहा है, वाह मजा आ गया यार। हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। दोबारा देखिए पूरा कोहरा जम गया है। वहां फोटो खींचने की सोच रहा हूँ, जैसे फोटो लगाया हिमालय का है, कोहरा सब इधर और वहाँ पैक, पूरा पैक हो गया भाई, खत्म हो रखा वहाँ। बाप रे ऐसे हालत में मौसम चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो जा रहा भाई। बढ़िया से कॉफी बन रही। लाइट सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चाप 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 चाप। मन लगाओ, मेरे कॉफी से ही हो रही फिलहाल। सुबह के बज चुके हैं 10 और अब जाके सारी पैकिंग हमने कर ली है, लगभग सारा सामान सेट कर लिया है और पूरी लोकेशन साफ कर ली है। देखिए जहाँ पर टेंट था हमारा वहाँ पर पूरा सूखा पड़ा है और चारों ओर बिल्कुल गीला हुआ है। सो निकलते हैं आप घर के लिए। मौसम देख सकते हैं फिर से पूरा चारों ओर कोहरा कोहरा हो गया है। तो निकलते हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू दोस्तों।